आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की दी सहायता राशि। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने रविवार को पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को सौंपा 2.5 लाख का चेक। कहा, प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, हमेशा किसी भी तरह की समस्या होने पर दी जाएगी सहायता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय ने फीता काट कर विधिवत किया उद्घाटन। मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन में एक पुरातन छात्र के रूप में जुड़ने वाले इस अनुभव से खुद को महसूस कर रहा हूँ गौरवान्वित। वरदायिनी मॉडल शॉप पर 30 अक्टूबर को वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर रामगढ़ताल पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर कुर्की के नोटिस को किया चस्पा। कहा, एक महीने के भीतर वांछित अभियुक्त पुलिस या न्यायालय में करे सरेंडर, नहीं तो उनके मकानों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने तरुण सुरक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु विद्यालय के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ की गोष्ठी। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाचार्यों को किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले राष्ट्रीय पुरातन सम्मेलन में 34 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश एल्यूमनाई अवार्ड से किया गया सम्मानित। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में बनेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मिलेंगे कई तरह के फायदे। विद्यालय जाने वाले छात्रों के गार्जियन से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने की अपील। कहा, कम उम्र के छात्र व छात्राओं को ना दे स्कूल जाने के लिए वाहन, किसी तरह की समस्या होने पर डायल 112 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें सूचना, तत्काल होगी कार्यवाही। दो अंतरजनपदीय वाहन चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। जिला प्रशासन ने वाद हित सर्वोपरि किया लॉन्च। एडीएम फाइनेंस ने कहा, वादी न्यायालय में आकर अपने मुकदमे की पैरवी कर कराए अपने मुकदमे का निस्तारण, वादियों की सभी समस्याओं का होगा समाधान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलाधिपति वाटिका में किया पौधारोपण। कहा, विशिष्ट अतिथि और अतिथियों का यादगार पहलू बन सके, इसलिए किया गया है पौधारोपण। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 किलोग्राम नाजायज गांजा व मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। सीओपीडी नामक बीमारी के संदर्भ में एक संगोष्ठी का गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 3 करोड़ आबादी सीओपीडी नामक बीमारी से है ग्रसित। इस बीमारी से 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष होती है मृत्यु। और तरुण सुरक्षा अभियान के तहत विद्यालयों के वाहन चालकों व सहयोगी स्टाफ का कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण। एसएसपी ने कहा, अनफिट वाहन चालक के वाहन चलाने पर लगाई जाएगी रोक।